जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 10:11 हुई है और मार्केट जैसा मैंने सुबह आज बताया था आप लोग को कि एक बार गिरावट भी आएगी, तेजी को तेजी जल्दी से मत समझिएगा। तो गिरावट आई है, देखिए 279 से हाई बना के 148 आ गया निफ्टी फ्यूचर में। सुबह 279 का हाई बना के अभी 148, तो इसीलिए मुझे ये पता था आज ऐसा होगा। देखिए 603 का हाई दिखा रहा है, एक बार 400 के ऊपर तो मैंने देखा भी था इसको, तो वहाँ से भी ये भी 200 पॉइंट खिसका है। तो अभी मैंने सुबह आज एक ही व्यू दिया, आज कुछ भी नहीं दिया नया। देखिए 31 अक्टूबर 9:34, अभी टाइम हो गई है 10:12, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ 10:12। और जबकि मैंने ये व्यू लिख दिया था 9:34 पे कि आज बाइंग 10:30 से करेंगे, 10:30 मतलब 10:30 AM से। तो बस 10:30 AM से मुझे लगता है मार्केट सुधार चालू हो जाएगा, ये मेरा मानना है। गारंटी कुछ नहीं है, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछ के ही कुछ काम करना, ठीक है। और ये दिवाली टू दिवाली ग्रुप स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। आपका काउंटिंग दिवाली से नेक्स्ट दिवाली तक होगा। 18,000 फीस है 1 ईयर के लिए, ठीक है। 9635476788 पर व्हाट्सअप करिए, अपना नाम, अपना सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ठीक है, जिसको ज्वाइन करना। और लॉस प्रॉफिट की जिम्मेदारी पूरी की पूरी आपकी, मेरी कुछ भी नहीं, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है मुझे, रिलायंस अभी भी स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। अगर मैं देखूँ तो रिलायंस मुझे अभी भी स्ट्रांग दिख रहा है। एक बार 2310 के आसपास मिले तो इसको ज़रूर बाइंग करूँगा मैं फ्यूचर में। अभी 16 का लो बनाया है और एक काउंटर मुझे लगता है आने वाले दिनों के लिए हीरो बन सकता है, ये है HDFC बैंक। इसमें अगर 1460 फ्यूचर का स्टॉप लॉस रहना चाहिए पोजिशनल, 1460 और टारगेट रहना चाहिए इसका 1570 तक। HDFC बैंक, तो अब टाइम हो गया है 10:14 हो गई, तो आप धीरे धीरे स्टार्टिंग कर सकते हो। 10:30 होने वाली है। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ।